नमस्कार दोस्तों, छोटा पैकेज और बड़ा धमाका, या फिर ऐसा कहें कि छोटे स्पीकर और बड़ा आवाज़। अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको पसंद है तो आपके लिए हो सकते हैं ये फिलिप्स के छोटे से USB पावर्ड मल्टीमीडिया स्पीकर। दोस्तों, ये जो स्पीकर है ये 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ में आते हैं, USB से पावर्ड है, मतलब आप इसको जो है कुछ इस तरह से लैपटॉप पे या फिर इवन पावर बैंक से भी चला सकते हैं। इसमें SD कार्ड और पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह दी हुई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है इसका क्विकली अनबॉक्सिंग करेंगे, और अनबॉक्सिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो है हम लॉन्ग टर्म रिव्यू लेंगे, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम इनका एक साउंड टेस्ट लेते हैं कि भाई आवाज़ जो है वो किस तरह से है, और साथ में बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो दोस्तों, वीडियो को जो है वो आप पूरा देखिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, नीचे जाके लाइक बटन दबा दीजिए, और इस तरह के स्पीकर्स अगर आपको परचेस करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बाइंग लिंक्स मिल जाएंगे, यह वाले या फिर इसके कंपेटिटर स्पीकर्स आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। तो आइए इनको जो अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो स्पीकर है वो मैंने कनेक्ट कर लिया है, और काफ़ी क्यूट सा जो है ये सेट दिखने में लगता है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, एक आपको जो है 3.5 mm ऑडियो जैक लगाना है। पावर के लिए आपको या तो इस लैपटॉप की USB पोर्ट में लगा दीजिए, या फिर पावर बैंक भी चल सकता है, मोबाइल का चार्जर भी चल सकता है, किसी भी USB सॉकेट वाली चीज़ से आप इसको पावर दे सकते हैं USB 5V से। इसके साथ में एक इस तरह का जो है छोटा सा सबवूफर मिलता है, बहुत ही छोटा है, आप देखिए दिस इज़ लिटरली पाम साइज्ड। और ये जो सबवूफर है लगभग 3 या 4 वाट के आसपास जो है पावर आउटपुट देता है, और यहाँ पे आपको 2 सैटेलाइट स्पीकर मिल जाते हैं कुछ इस तरह के, और ये जो है 2 वाट ईच, मतलब ये जो पूरा सेट है ये 7 वाट्स का है, 7 वाट का ये स्पीकर जो है। आप इसका मॉडल नंबर और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पे कॉर्नर में पढ़ सकते हैं। परचेस करना है तो मेरे एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आइए फटाक से इसका जो है एक ट्रायल जो है हम ले लेते हैं। तो ये जो माइक है ये वाला, ठीक है, इसको जो है मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले जो है हम लैपटॉप के जो इंटरनल स्पीकर्स हैं उनका टेस्ट लेंगे, और उसके बाद में इसका टेस्ट लेंगे। तो ये जो प्लग है इसका 3.5 mm जैक, ये मैंने निकाल दिया है, और जो माइक है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस। तो ये था हमारे जो लैपटॉप है इसके इंटरनल स्पीकर्स का आवाज़, और इसको जो है मैं रिवाइंड कर लेता हूँ। एंड गाइस, आई होप कि आप जो है हेडफोन्स का यूज़ कर रहे हैं इनको सुनने के लिए, क्योंकि मोबाइल के स्पीकर में वैसे भी जो फ़र्क है वो पता नहीं चलेगा। तो ये जो प्लग है इसको मैं लगा देता हूँ, माइक उसी पोजिशन में रहेगा। अब ये जो 2.1 स्पीकर्स हैं छोटे वाले, इनमें से साउंड प्ले करते हैं।
ओके तो आई होप ये जो साउंड टेस्ट है इसमें आपको अंदाज लग गया होगा। इन पर्सन इन स्पीकर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनके सामने जो लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर्स होते हैं या फिर जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बकवास लगते हैं। तो इन पर्सन इनका जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा क्लियर पता चल जाता है। बेस नाम की एक जो चीज़ होती है वो आपको मिल जाती है यहाँ से, जो कि एब्सोल्युटली एब्सेंट होती है आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप के स्पीकर में। तो सामने से सुनने में जो इन दोनों की जो साउंड क्वालिटी है आपके लैपटॉप की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ये एनहांस कर देता है। अब पता नहीं माइक ने जो है ये कितना कैप्चर किया है दोनों का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी क्लियर डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं इस स्पीकर्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला जो प्रो है वो ये है कि इसको कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है, इसका पावर सोर्स काफ़ी सिंपल है, कोई भी पावर बैंक में लगाओ और काम स्टार्ट करो। साथ में इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी ईजी टू यूज़ है, आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर जो है एक पेन ड्राइव लगाने के लिए जगह है और यहाँ पर जो है आप SD कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हो गए इसके प्रोज। साथ में यहाँ पे फिलिप्स का भरोसा आपको मिल जाता है, तो कोई भी ऐरे गहरे ब्रांड का स्पीकर लेने से ये अच्छा है कि ब्रांडेड है, वारंटी वगैरह मिल जाती है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, क्योंकि एज अ कंज्यूमर कॉन्स जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जहाँ पे फिलिप्स ने जो है इसके जो कोर वैल्यूज़ थे, मतलब इसका जो लुक है, जो साउंड क्वालिटी है, जो ईज़ ऑफ यूज़ है और इसका जो बेस है, उस पर जितना ध्यान दिया उतना ही इसका जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है, जो इसका इंटरफेस है, जो छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर ध्यान देना जो है टोटली भूल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे जो हैं रिपेयर्स या फिर एनहांसमेंट्स मैंने इस पर किए हैं और ये काफ़ी पुराने स्पीकर हैं, मैं इनको लगातार यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। तो क्या क्या किया है आप जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसके सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उसके ऊपर कोई भी लेफ्ट एंड राइट मार्किंग नहीं था। सो आई वॉज सरप्राइज्ड कि भाई ऐसा कैसे, कौन सा स्पीकर राइट चैनल है, कौन सा लेफ्ट चैनल है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने जो है क्या किया कि यहाँ पे जो मेरा यूजुअल मेथड है, मेरा सीक्रेट मेथड, ठीक है, ये वाला आपको लाइट ऑफ करके बताऊँ तो आपको जो है कलर्स थोड़े से और ज़्यादा पसंद आ जाएं। ओके तो ये जो कलर्ड डॉट्स का जो मेथड है, मैंने आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा मैंने बनाया है कि ये क्यों होते हैं। तो उसी मेथड से मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो कलर्ड डॉट्स हैं इसके ऊपर लगा दिए, तो जो रेड कलर होता है वो राइट चैनल का होता है और जो वाइट डॉट होता है ये वाला, ये लेफ्ट चैनल का होता है। साथ में लिख भी दिया मैंने इनके ऊपर, तो आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो सामने से जो है दिखने में ये जो डॉट है काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, इस तरह से मैंने लिखा है इनके ऊपर। ओके आइए आते हैं इस सबवूफर के ऊपर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, और काफ़ी का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट जो है आपको LED मिल जाती है, जिसको मैंने टेप से कवर कर दिया है क्योंकि आपके आँखों में चुभता है, इतना ज़्यादा जो है ये ब्राइट है। तो ये एक कॉन रहा। उसके बाद में इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है, मैं आपको लाइट ऑन करके बताऊं तो ये किस पोजीशन में है ये देखने के लिए जो है इस तरह से कोई रास्ता नहीं था, तो अगेन मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ा कि भाई यहाँ पे फुल होता है, यहाँ पे कम होता है, तो इस तरह से ये अगेन एक छोटा सा जुगाड़ मुझे करना पड़ा। इसके अलावा इसका जो USB पोर्ट है ये उल्टा है, तो आपको पेन ड्राइव उल्टा लगाना पड़ता है, तो अगेन मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लगाया कि भाई USB जो है आप उल्टा लगाओ, अदरवाइज आपका जो सॉकेट है पेन ड्राइव का वो टूट सकता है। तो आई विश फिलिप्स ने जो है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भाई ये पोर्ट का लोकेशन, फिर ये सब बटन्स वगैरह, इनके ऊपर थोड़ा सा जो है ध्यान दिया होता तो काफ़ी एक ज़बरदस्त, काफ़ी कंप्लीट पैकेज है। सो दैट्स इट फॉर दिस लिटिल वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और आज का आउटरो म्यूज़िक हम ऐसे नहीं बजाएंगे, आज का आउटरो म्यूज़िक बजाएंगे यहाँ से। तो लेट्स प्ले आउटरो म्यूज़िक।